समाजवादी पार्टी में कद बढ़ने के बाद अब विधानसभा में भी बढ़ेगा शिवपाल यादव का कद। फ्रंट सीट पर बिठाने पर बनी सहमति, 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र। आदित्य यादव को सपा कार्यकारिणी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, प्रसपा से सपा में आए नेता को भी मिलेगी जिम्मेदारी। अखिलेश शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद फैसला। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किए जाने की सिफारिश, प्रतापगढ़ सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी को लिखा पत्र। लखनऊ में लगाए गए भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति, एयरपोर्ट चौराहे पर लगाई गई मूर्ति, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है मूर्ति। ग्यारह बारह फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल, G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। बारह फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल, G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। ग्यारह फरवरी को आगरा फोर्ट भी रहेगा बंद। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा धर्म के खिलाफ जो बोलता है वो अधर्मी है। जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर निशाना, तपस्या और बलिदान की परंपरा को कांग्रेस ने भटकाया, कांग्रेस ने वंशवाद की परंपरा की नींव डाली। कानपुर देहात में जिला प्रशासन का बड़ा खेल उजागर, बगैर टेंडर पास पार्किंग का ठेका देने का इल्जाम, वाहन पार्किंग के लिए वसूले जा रहे मनमानी रुपए। लखनऊ में कार समेत लापता युवक की हत्या, दोस्तों ने ही पैसे के लालच में उतारा मौत के घाट, गांव के बाहर कुएं में हत्या कर फेंका शव। जालौन में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने तीन मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की, तमंचे की बट से सिर पर किया हमला। गाजियाबाद पुलिस ने 10 हुड़दंगियों को किया गिरफ्तार, एलिवेटेड रोड पर बर्थडे के सेलिब्रेशन करने वाले थे युवक। लखनऊ में युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल, रील बनाने के लिए युवकों ने दिखाया असला। दलित युवक को गांव के दबंगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका, युवक के परिवार ने की शिकायत, गांव में यादव जाति के दबंगों पर इल्जाम। लखनऊ में कार के बोनर पर बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। फिरोजाबाद में घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हा पहुंचा जेल, एटीएम काटकर शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था पैसा। बुलंदशहर में दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, हेड कांस्टेबल की बेटी की शादी, इलाके में बनी चर्चा का विषय। एटा में लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश, पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, मुर्गी फार्म पर गुलदार ने 3 दर्जन मुर्गियों को बनाया था निवाला। झांसी में भी सड़क पर बस कर्मियों की गुंडाई, बस से उतारकर एक युवक की जमकर पिटाई की। मऊ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से होमगार्ड की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में फेरों से पहले बुलेट पर अड़ा दूल्हा, पिता संग पहुंचा हवालात। हापुड़ में ट्रक से भिड़ी कार सवार युवक की मौत, महिला सिपाही घायल। सीतापुर में आवारा पशुओं से ग्रामीण परेशान, जानवरों को प्राइमरी स्कूल में किया बंद।
बागपत में एक युवक ने रची लूट की साजिश, खुद को गोली मारकर रची लूटपाट की साजिश। कानपुर में कार और लोडर के बीच टक्कर, बारातियों ने लोडर ड्राइवर को जमकर पीटा, लोडर ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे और सरिया, चार लोग घायल। सहारनपुर में पति को मंदिर में दूसरी औरत के साथ पत्नी ने टोका तो पति ने की पत्नी की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के हली मुस्लिम इंग्लिश स्कूल पर कब्जे का बड़ा विवाद, स्कूल पर जबरन कब्जा करने का इल्जाम। कुशीनगर में महिला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ बदसलूकी, महिला अधिकारी ने पुलिस से की शिकायत। बागपत में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में बजट को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सहारनपुर में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अडानी को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। ललितपुर में रमेश खटीक और उसके परिजनों की बड़ी मुश्किलें, 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क। देवरिया मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और तीमारदार के बीच हुई मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में 458 जोड़ों का हुआ विवाह, 455 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे। हापुड़ पुलिस ने 3 अवैध हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, 5000 से 50000 से 1,00,000 रुपए में बेचते थे पिस्टल। जौनपुर में 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लाखों का सामान बरामद। सहारनपुर में दिल दहला देने वाला मामला, युवक ने अपने ही दोस्त को तारा मौत के घाट, बाइक को लेकर हुई थी लड़ाई। रायबरेली कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में लगाई गई भगवान के अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति, एयरपोर्ट चौराहे पर लगाई गई मूर्ति, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है मूर्ति। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार, त्रिपुरा के 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। त्रिपुरा में प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस को बताया आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टी। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने कहा विभाग एक दूसरे के ऊपर ना डाले काम। गाजीपुर बहराइच का नाम बदलने की उठी मांग, सुबह सपा ने सीएम योगी को लिखा पत्र, गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर, बहराइच का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर रखा जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्र सरकार की टीम आएगी उत्तर प्रदेश, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 21 वरिष्ठ मंत्री होंगे मौजूद, निवेशकों से करेंगे चर्चा। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर बैठी जांच, सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिला अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं था डॉक्टर, मरीजों का फार्मासिस्ट कर रहे थे इलाज। लखीमपुर खीरी में लापता बच्चों का अब तक सुराग नहीं, दोनों बच्चों की तलाश में ऑपरेशन जारी, बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल।
महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में घर में लगी शदीद आग, दो जिंदगियां खाक, गर्भवती महिला और बेटी की मौत, शक के घेरे में पति और ससुर। कानपुर में बीएसएफ जवान से वकीलों